उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक संदिग्ध चोरी के मामले पर टिप्पणी की है। इस चोरी का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है, ना ही कोई प्राथमिकी दर्ज की गई है, लेकिन सियासी और ब्यूरोक्रेसी के गलियारे में इस चोरी की चर्चाएं जोरों पर हैं। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र यादव। द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक अखबार की कटिंग साझा करते हुए लिखा कि रिश्ता ये हमजोली सा है, चोर के घर में चोरी सा है। दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश कैडर के एक पूर्व आईएएस अधिकारी के घर 50 करोड़ की चोरी हुई है। हालांकि इस मामले की गंभीरता को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। अखिलेश यादव की पोस्ट ने यूपी की ब्यूरोक्रेसी में खलबली मचा दी है। सोशल मीडिया पर इस चोरी के बारे में चर्चा लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन पुलिस ने अब तक इस संदिग्ध चोरी की कोई भी FIR दर्ज नहीं की है। माना जा रहा है कि चोरी के आरोपियों की खोज अंदरूनी स्तर पर चल भी रही है। यह मामला खासकर उस पूर्व IAS अधिकारी से जुड़ा बताया जा रहा है जो उत्तराखंड में निवास करते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पोस्ट ने कई सवाल उठाए, लेकिन कोई आधिकारिक जानकारी न होने के कारण अब तक ब्यूरोक्रेसी में केवल कयास और अटकलों का दौर ही चल रहा है। यह देखना दिलचस्प है कि यह मामला जिस तरह कानाफूसी की दुनिया में सुर्खियों में है, क्या यह कभी धरातल पर उतर पाएगा या सिर्फ कोरी गप है। दिलचस्प यह भी है कि अखिलेश यादव की हर पोस्ट और बयान का जवाब देने वाली BJP और बसपा ने अभी तक इस कथित चोरी के मामले पर कुछ भी नहीं कहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। वैसे इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने शेयर करिए। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।